अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और एपिसोड के साथ। और ये कल वाली आइसक्रीम जो हमने बनाई थी कुकी बटर के साथ, ये बिस्किट्स के साथ, ये देखें सेट हो गई है। इसको मैंने ओवरटर्न कर दिया था, क्लिंग फिल्म इसकी निकाल दी थी। अब यहाँ वो वाले कुकी बटर हमारा है, ठीक है, और वो वाले कुकीज़ हैं जिसके साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको फ्रीज़र में वापस रख देती हूँ बिकॉज़ बहुत गर्मी है, कहीं ये पिघलना ना शुरू हो जाए। फिर जब शो एंड होगा तब हम इसके ऊपर ये कुकी बटर लगाएंगे और बिस्किट्स रखेंगे और फिर स्लाइसेस में काट के आपको दिखाएंगे। ओके जी, सैडली आपको खिला नहीं सकते हैं, वरना आपको खिलाते भी। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम क्रीमी लेमन चिकन बना रहे हैं जिसको हम पास्ता के ऊपर सर्व करेंगे। पेने पास्ता मेरे पास यहाँ है और फेटुचिनी पे भी कर सकते हैं सर्व। नमक डालेंगे, पानी है यहाँ, शाताज कुकिंग ऑयल, और ये पास्ता बॉईल करने रख देंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें ये पेने पास्ता डाल के, ठीक है, हम बॉईल कर देंगे। ओके, चिकन को फ्लैट किया है, चिकन ब्रेस्ट फिले को स्टेक हैमर से या रोलिंग पिन से आप बिल्कुल फ्लैट कर दीजिएगा। पतले फिले पारचे होंगे ना तो जल्दी पक भी जाएगा, ओके। और फिर उसको हम काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। अच्छा, आज हम पहले क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बस्तानी। बस्तानी इज़ अ पर्शियन आइसक्रीम। उसमें होता है बहुत सारा पिस्ता, 1.5 कप जितना पिस्ता पीस के रखा है, ज़ाफ़रान इसमें होता है, इसमें रोज़ वाटर 2 से 3 चम्मच भर के होता है, तो इसका फ्लेवर ये होता है। कुछ लोग इसको रंगते हैं येलो कलर के साथ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। सबसे पहले क्या करना है, दूध है मेरे पास यहाँ 2 कप, उसको उबालना है, उसमें हम एसेंस और ज़ाफ़रान डालेंगे, ठीक है। 6 से 8 जर्दियाँ लीजिएगा, मैंने 6 जर्दियाँ ली हैं। सफ़ेदियों को अलग एक डब्बे में बंद करके रख दिया है, उस सफ़ेदियों से या फिर कल सुबह में मेरे घर में बादाम के मैक्रून्स बनेंगे, या फिर मेरेंग बनेगा, या फिर जब अंडे बनेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी चली जाएगी। ज़ाया नहीं करिएगा, फेंक नहीं दीजिएगा, उसको डब्बा बंद करके रख दीजिएगा। सफ़ेदियाँ तो बहुत दिन रहती हैं एयरटाइट डब्बे में, जर्दियाँ शायद कभी सूख जाती हैं, तो उनको एयरटाइट डब्बे में या किसी बोल पे क्लिंग लगा दीजिएगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँगी, अंडे की जर्दियों को अच्छी तरह इस चीनी के साथ बीट करूँगी। जब अच्छे से बीट हो जाएंगी, चीनी थोड़ी सी घुल जाएगी, तो फिर उस दूध में हम डाल देंगे, उसको पकाएंगे, ठीक है। पका के एक मज़ेदार सा थिक सा कस्टर्ड बनाएंगे। येलो कलर ज़्यादा जर्दियों से भी आता है, और फिर उसको हम ठंडा कर देंगे। एयरटाइट एक डब्बा है मेरे पास, वो फिर निकाल के हम उसमें ये चॉप किए हुए या बिल्कुल पिसे हुए फाइन पिस्ते डालेंगे, रोज़ वाटर है, चुटकी भर नमक है, और फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। अब देख, कस्टर्ड को बना के मैं जल्दी से फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि फिर ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर हम इसको आपके सामने आज फ्रीज भी कर दें, ओके। सो वील डू दैट, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ जी। जी जी, सवाल हमने आज सवाल रखा है, चिकन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। डीलक्स सैंडविच मेकर है एनिक्स की तरफ से। इस सैंडविच मेकर में मैंने आपको केक बनाना सिखाया है, दही बड़े बनाने सिखाए हैं, याद है आपको, ओके। सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल आर रेसिपीज और ट्राई टू विन दिस हमारे शो के थ्रू, ओके। सो पहले दूध बॉयल कर लेते हैं। ज़ाफ़रान और रोज़ वाटर इसमें ज़्यादा डलता है, ठीक है। ज़ाफ़रान मैं एसेंस यूज़ करती हूँ, वेनिला एसेंस भी थोड़ा सा जाएगा। बहुत खुशबूदार आइसक्रीम, इसमें थोड़ा सा और दूध यहाँ से डाल देते हैं, ओके। फिर इसमें यहाँ बीट कर देते हैं एग योक्स को एक बोल में विथ चीनी।
बहुत सारे आइसक्रीम्स बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत मुख्तलिफ किस्म के आइसक्रीम्स, ठीक है, आइसक्रीम के इस तरह के लॉग्स बनाना सिखा चुकी हूँ आपको, काम आएंगी ये सारी रेसिपीज़ फॉर डिनर्स एंड लंचेस। उप्स, ओके, नाउ इसकी आंच बिल्कुल कम कर दीजिएगा। कुक्ड कस्टर्ड वाला जो आइसक्रीम है ये वो वाला है। दूध गर्म किया, वेनिला एसेंस डाला, ज़ाफ़रान डाला या ज़ाफ़रान एसेंस डाला, फिर यहाँ अंडे की जर्दियाँ और चीनी को बीट किया और उसको इसमें डाल के पका लिया। इतना पकाइएगा कि गाढ़ा हो कस्टर्ड, पतला नहीं रहे। और बहुत सारे आइसक्रीम्स इसी तरह बनते हैं जी, अंडों से ही बनते हैं। हम तो आपको चीटिंग वाला ही आइसक्रीम सिखाते हैं ना, जो घर में आराम से सब बना सकें। अब इसको चलाते रहना है, ज़रा भी इसमें अंडे जाके फॉर्म ना हो जाएं, हो जाएं तो छन्नी से छान लीजिएगा ताकि मुँह में ना आए। फिर ठंडा करेंगे, फिर रोज़ वाटर क्रीम, चुटकी भर नमक तो इसी में डाल सकते हैं और बहुत सारा पिस्ता पिसा हुआ, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अंडे की जर्दियाँ, चीनी बीट करके डालिए, बॉईल करिए ज़ाफ़रान के साथ या ज़ाफ़रान एसेंस के साथ, वेनिला एसेंस और दूध। चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर है, आप जीत सकते हैं हमारे शो के थ्रू। आज नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं दोपहर में मसाला टीवी पे, और रात में 12 बजे मेरा शो रिपीट होता है। जुमे को याद रखिएगा हायर का शो आएगा शाम को 6 बजे और वो रिपीट होगा रात को 10 बजे। बहुत मुख्तलिफ सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैंने उसमें बनाना सिखाई हैं, ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा शो। इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, पका के फिर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद वो दूसरे अज्जा जाएंगे, गरम गरम में क्रीम नहीं डालिएगा, ठीक है। सो मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। नाजरीन, मैं इसको कब से चला रही हूँ, इसको थिक करना है, ठीक है। ये इस तरह थिक हो जाए, बिल्कुल इसको छोड़िएगा नहीं और बिल्कुल आंच हल्की रखिएगा, वरना अंदर जाके अंडे हो जाएंगे स्क्रैम्बल्ड। और ये साइडों को इस तरह करते रहिएगा साफ, जर्दियाँ और चीनी बीट करके, दूध उबाल के उसमें हमने डाला है वेनिला एसेंस और ज़ाफ़रान, बस, ठीक है। अब इसको आपने ठंडा करना है, अब इसको आप इतना ठंडा करेंगे कि जब आप इसमें क्रीम डालें तो बिल्कुल भी अंदर वो क्रीम फटी हुई सी नहीं लगे, ठीक है। सो मैं इसको ज़रा फ्रिज में रख दूं। पास्ता यहाँ बॉईल करके छान लिया था, सो पास्ता इज़ डन। इसको आपने ठंडा करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ये पिसे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक पिसे हुए पिस्ते हैं, 1.5 कप क्रीम है, रोज़ वाटर है और चुटकी भर नमक जाएगा। सो दूध था 2 कप, 2.5 कप क्रीम इसमें जाएगा, 6 से 8 आप जर्दियाँ लीजिएगा, 6 से 8 मैंने इसलिए लिखी हैं, कभी कभार अंडे बहुत छोटे आते हैं, बड़े अंडे थे तो मैंने 6 लिया था। 2 कप चीनी थी, 1.5 कप पिस्ते हैं,
चॉप नहीं किए हैं मैंने, ब्लेंड वो बिल्कुल पीस लिए थे, ठीक है। रोज़ वाटर 3 से 4 टेबल स्पून लीजिएगा, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून था, आधा टीस्पून जितना ज़ाफ़रान एसेंस मैंने डाला था, और चुटकी भर नमक जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। सर मैं हवाई 4 बजे लाइट चली जाती है, तो मैंने कहा आपसे बात कर ली थी, देर के बाद कॉल मिली। ओके थैंक यू आपने कॉल की। रिपीट में 12 बजे देख लीजिएगा रात में अगर हो सके तो। जी जी 12 बजे भी था, असल में 1 बजे लाइट चली जाती है जब रिपीट होता है। क्या क्या करूँ मैं। हाँ ये तो लाइट का मसला है। हाँ तो मेरी बेटी आपसे बात करेगी। ओके ठीक है, ये लीजिए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? इशल। क्या? इशल। अच्छा कितने साल की हैं? 10 इयर्स। 10 इयर्स की। आपको खाना पकाने का शौक है? जी। क्या क्या अच्छा लगता है खाने में आपको? मुझे चाइनीज अच्छा लगता है। क्या? चाइनीज। ओके ठीक है ठीक है, बहुत सारी मैंने चाइनीज रेसिपीज कराई, अम्मी को कहिएगा आपको बना के खिलाए, ठीक है। थैंक यू जी। सवाल के जवाब देना। अच्छा जी जी दीजिए। जी चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, फ्राइड चिकन एंड चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा एंड चिकन बर्गर, चिकन चीज बर्गर। अच्छा चिकन पास्ता। ओके ठीक है ठीक है। आपको इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगती है? चिकन पास्ता। अरे वाह, तो बना रहे हैं आज, देखिएगा ठीक है। ओके जी थैंक यू सो मच आपने कॉल की, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके नाउ वील कम टू आर चिकन। चिकन में क्या करना है, हमने नमक, काली मिर्चें, इटालियन सीजनिंग लगा के ना उसको हमें रख देना है। सो हियर इज माय चिकन, ब्रेस्ट फिले फ्लैट किया हुआ। इसमें हम नमक, काली मिर्चें, ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, इटालियन हर्ब्स, ठीक है, और क्या था बस, और फिर हम यहाँ एक बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लेंगे, तेल इसमें हम डालेंगे, मैदा थोड़ा सा लगाएंगे चिकन में, छाताज कुकिंग ऑयल, अच्छी तरह चिकन ब्रेस्ट फिले को ऐसे ड्रेच कर दीजिए, नमक, काली मिर्चें, इटालियन सीजनिंग में, हर्ब्स में, ओरिगैनो, बेजल, पार्सली, थाइम, सब मिक्स मिलता है। थोड़ा सा मैदा है यहाँ, उसको ऊपर ऐसे छिड़क दीजिए। और इसको आप सॉटे कर दीजिए इस तरह, हल्का सा, हाँ शैलो फ्राई कर दीजिए। नमक, काली मिर्चें और इटालियन हर्ब्स लगा के बस, फिर इसकी जगह नहीं है, इसको हम नेक्स्ट बैच में करते हैं। इसको मैं सोच रही हूँ फ्रीज़र में रख दूँ, बिकॉज़ देयर इज़ नो टाइम, चिल नहीं होगा यहाँ।
जितना उसको टाइम मिले ठंडा हो जाए। ओके, फिर क्या करेंगे, देखिए नमक, काली मिर्ची, इटालियन सीजनिंग, चिकन ब्रेस्ट फिले को लगा के हल्के से तेल में उसको आपने सियर कर दिया, गोल्डन हो जाए निकाल दीजिएगा। फिर इसी पैन में हम मक्खन डालेंगे, लहसुन डालेंगे, चिकन का स्टॉक है, लेमन जूस डालेंगे, पार्सली या हरा धनिया डालिए, एंड में बिल्कुल क्रीम जाएगा और ये चिकन दोबारा हम रख देंगे। ये हैं केपर्स, अगर आपको मिल जाएँ तो इस्तेमाल करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट होता है खट्टे खट्टे, वरना ऑलिव्स डाल दीजिएगा। ब्राउन वाउन नहीं करनी है इसको, ठीक है, बस कलर चेंज हो जाए निकाल दीजिएगा एक और प्लेट में। अच्छा, मीनवाइल मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ मिक्स कर देना चाह रही हूँ। सो ये पिस्ते हैं पिसे हुए, फिर ये क्रीम है, फिर रोज़ वाटर है, ये रोज़ वाटर है और चुटकी भर नमक, चुटकी भर, ठीक है, बिकॉज चीनी बहुत सारी थी। चलिए ये सब हटा देते हैं, ये हमें मिक्स करना है उसमें। और अगर ज़ाफ़रान आप कर रहे होते तो फिर मैं दूध मिक्स कर देती ज़ाफ़रान के साथ, ताकि फिर ज़ाफ़रान अच्छी तरह उसमें डिज़ोल्व हो जाता। ये हो गया है, इसको निकाल देते हैं। दोनों तरफ से हमें पकाना है और निकाल देना है, फुल डन नहीं है ये, ठीक है। ठीक है जी, ब्रेक है, ओके, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। चिकन को सियर करके निकाल दूंगी, आप लोगों के लिए वेट करूंगी, फिर इसी में हम सॉस बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। चिकन पास्ता बना रहे हैं, वही तेल, चिकन को हमने सॉटे करके निकाल दिया था, इसी में हम मक्खन डालेंगे और फिर लहसुन, और इसको आप सॉटे करिए, ठीक है। बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे इसलिए कि इसमें हम चिकन का क्यूब भी डालेंगे, और ये वाला भी मक्खन नमकीन था, काली मिर्चें, लहसुन को अच्छी तरह सॉटे होने दीजिए मक्खन में, फिर चिकन का क्यूब डाल दीजिए, इसके साथ थोड़ा सा मैदा भी डालिए। ओके, बहुत थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, बहुत थोड़ा सा, ओके, जस्ट टू मेक अ नाइस सॉस, और लेमन चिकन है तो उसमें लेमन जाएंगे, जो कि बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, आपका शो मुझे बहुत शौक से देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या ट्राई किया आपने? जी ईद वाले शो आपके बहुत अच्छे थे, आपने जो फालूदा बनाया था ना, हाँ जी, वो मैंने ट्राई किया। अच्छा, फिर? जी जी, ज़ाफ़रानी फालूदा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब दूंगा? जी जरूर। चिकन बिरयानी, चिकन पकौड़ा, चिकन कोरमा, चिकन का सालन, चिकन कढ़ाई, चिकन बर्गर। ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया है सारी रेसिपीज़ के नाम, आपका जवाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब इस पे आपने ये चिकन पूरी की पूरी इसमें शामिल कर देनी है, इसके जूसेस समेत, और ज़रा स्प्रेड आउट कर दीजिए ताकि अच्छी तरह पक जाए जो भी चिकन के पीसेस, स्पेशली मोटे वाले पीसेस।
इसमें अंदर लेमन का फ्लेवर भी आए। थोड़ा सा मैं और इसमें पानी डालूंगी और हो सके तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसमें धनिया या पार्सली भी आप शामिल कर सकते हैं, वट एवर यू हैव ऑन हैंड। और क्रीम एन में जाएगा और ये केपर्स एन में जाएंगे, बस। और सब कुछ हो गया है, ठीक है। बस इसको हल्की आंच पे होने दीजिए ताकि चिकन अंदर से पक जाए। चिकन ब्रेस्ट फिले को फ्लैट ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप देखेंगे तो चिकन ब्रेस्ट एक तरफ से पतली एक तरफ से मोटी होती है। अगर हम ऐसे ही पका देंगे तो क्या होगा कि जो पतला पार्ट है वो जल्दी पक जाएगा और सूख जाएगा, और मोटा पार्ट पकते पकते टाइम लगेगा, ठीक है। सो ड्राई आउट हो जाती हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल चिकन ब्रेस्ट नहीं पसंद, तो चिकन थाइज़ के पीसेस से बनवाइएगा और उसका भी बोन निकाल के बोनलेस भी मिलते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm good, alhamdulillah. मैं आज आपका शो देख रही थी बड़े दिनों बाद बैठ के। जी। बस इस टाइम पे बिजी होती हूँ आज, और माय लक के इटालियन कुजीन बन रहा है। रियली लव इटालियन कुजीन। थैंक यू, बनाइएगा जरूर। जी जरूर ट्राई करूंगी, मेरे पास चिकन ब्रेस्ट पड़े हैं, मैं श्योरली आई ट्राई करूंगी, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी इंशाल्लाह। जरूर। और मैंने आपका क्वेश्चन आंसर करना था। जी। It's lemon pepper chicken, chicken fajita chicken. मैं actually सोच रही हूँ जो recipes आपने बताई थी। Chicken से तो बहुत कुछ बनाया है। हाँ जी बिल्कुल, वही है, वो मैं उनको recall कर रही हूँ। I'm just trying. कोई बात नहीं, आप recall करिए। Chicken cake and chicken biryani, obviously वो तो सबने ही बनाई हुई है। And chicken burger, crispy fried chicken. ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। ओके जी, देखिए मैंने यहाँ पास्ता को ना प्लेटर पे रख दिया था, इसको हम अंदर मिक्स नहीं करेंगे। ये यहाँ पास्ता को निकाल के रखिएगा प्लेटर पे, उसके ऊपर चिकन के ब्रेस्ट रख देंगे और फिर वो सॉस डाल देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर केपर्स डालेंगे। सो जब ये थिक वाला चिकन का पीस जो है वो हो जाए तो निकाल देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट डन, ये देखें हो गए सारे, हो गए बिल्कुल डन, कहानी ख़त्म। बस अब क्या बाकी रहता है, इसमें हमें क्रीम डालना है। कहानी नहीं ख़त्म, अभी तो क्रीम डालना है। यस, सो क्रीम, बिकॉज क्रीमी लेमन चिकन है ऑन पास्ता के, इसे मिक्स करिएगा। बहुत ज़्यादा थिक सॉस नहीं चाहिए, बिकॉज पास्ता के साथ खाना है, बहुत पतला नहीं चाहिए। तो आपने देखा मैंने बहुत पानी नहीं डाला था। फिर चखिएगा, इफ़ यू थिंक के लेमन ज़्यादा चाहिए तो और डालिएगा। अच्छी तरह मिक्स करिएगा और फौरन सर्व कर दीजिएगा। इस स्टेज तक बना के रख सकते हैं, क्रीम बिल्कुल एंड में डालिएगा। ओके, और मैं पास्ता के प्लेटर पे रख दूंगी इसको, और फिर उसके ऊपर से ये केपर्स जाएंगे। नहीं हो ऑलिव्स डाल दीजिए, नहीं हो दोनों चीज़ें नहीं डालिए, बट अच्छा सा टेस्ट आता है। जितना हो सकता है क्लोजर टू ऑथेंटिक रेसिपी मैं बनाना आपको सिखाती हूँ। आइसक्रीम की दोनों चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, बिकॉज क्रीम भी बिल्कुल ठंडा हो जाए और वो भी। ठीक है, ये अच्छी तरह क्रीमी सा लेमन सॉस ओके, नाउ वी जस्ट टेक दिस ऑफ और इसके ऊपर चिकन फिलेज आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, ज़्यादा है पूरा नहीं, मैं निकालूंगी और फिर इसका सॉस। जी जी, कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप फरमाइए। जी मैं भी ठीक हूँ, बस लाइट बंद है, शो ही नहीं देख सकते आपका। आए हाय, मैं क्या कहूँ इन लाइट वालों को, तो पता नहीं क्या होगा, जब से शहबाज शरीफ ये होता है ये लाइट ही नहीं आती। और गर्मी कितनी है? और गर्मी भी इतनी ज्यादा है जी, यहाँ शेखपुरा में भी बहुत गर्मी है। जी शेखपुरा में भी बहुत गर्मी है। अच्छा, हाँ क्या करें, वहाँ तो बारिशें भी होती हैं, कराची में तो बारिश भी नहीं होती। इधर भी नहीं बारिश हो रही, अब तो जब से गर्मी है एक बारिश नहीं हुई तक, बस रात को आंधी आई, बारिश नहीं आई। ओ अच्छा, क्या कहें जी, आई थी रात को। अच्छा, तो
हवा ठंडी हो गई थी लेकिन ये है कि बारिश नहीं आई बस। चलिए जी जवाब दीजिए, आज मैंने पूछा है चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम। चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, चिकन शामी कबाब। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए ब्रेक की तरफ चलें, ओके हम क्लीनअप करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आके फिर हमें आइसक्रीम भी तो बनाना है, पर्शियन सैफ्रॉन और रोज वाटर वाला आइसक्रीम जिसका नाम है बस्तानी, सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ हमने बेड ऑफ पास्ता के ऊपर चिकन रख दिया है सॉस के साथ, ये कल वाली रेसिपी है। बिस्किट्स देखें आपको नज़र आ रहे हैं अंदर, है ना। अच्छा जी अब आ जाइए यहाँ, पिसे हुए पिस्ते, क्रीम, रोज़ वाटर, चुटकी भर नमक यहाँ है इस बोल में, ठीक है अच्छी तरह मिक्स करिएगा। ये देखें पिस्ते इतने सारे, अब यहाँ जो है ये वो कस्टर्ड था, दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है, अंडे की जर्दियाँ और चीनी, दूध, ज़ाफ़रान और वेनिला एसेंस। अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स कर दीजिएगा, दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम बिल्कुल कस्टर्ड में कुछ नहीं डालिएगा, क्रीम नहीं डालिएगा गरम गरम कस्टर्ड में, नीम गरम भी नहीं हो। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इस डब्बे में रख दीजिए और फ्रीज़ कर दीजिए, कल दिखाऊंगी आपको। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा पीला रंग भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए, इसको भी आप इसी तरह लोफ टिन में कर सकते हैं फ्रीज़, और फिर उसको स्लाइसेस में काट के, मैंने कहा हर रोज़ तो नहीं हम इस तरह करेंगे, तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए डब्बा भर दीजिए, थोड़ी सी जगह हमेशा छोड़ते हैं, पूरा डब्बा नहीं भरते हैं फ्रीज़र के लिए, ओके। और फिर इसको मैं छोटे डब्बे में रख दूँगी, यहाँ आइए फ्रीज़र में रख देते हैं, अभी तो नहीं रखते हैं, जब शो ख़त्म होगा तब हम फ्रीज़र में रख देंगे। ठीक है जनाब, ये हमारा आज का पर्शियन फ्लेवर, रोज़ एंड सैफ्रॉन फ्लेवर का आइसक्रीम है जिसको बस्तानी कहते हैं, ये कल का हमारा कुकी वाला जो था लोफ वो है, वही कुकी बटर मैंने रख दिया था और बिस्किट्स ऊपर रख दिए थे, और काट के देखेंगे तो अंदर से आपको ये नज़र आ रहे हैं कॉफ़ी में सोक किए हुए जो हमने कुकीज़ रखे थे। सो आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलते हैं, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाती चलूँ बस्तानी में मैंने क्या किया था। चलें, मैंने 2 कप दूध लिया था, उसको मैंने गर्म कर दिया, उसमें मैंने ज़ाफ़रान और वेनिला एसेंस डाला, ठीक है। फिर मैंने 6 बड़े अंडों वाले जो जर्दियाँ होती हैं वो लेके बीट कर दी, उसमें मैंने वो डाला चीनी 2 कप, ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा, जब हो जाए तो वो दूध में डाल दीजिएगा, उसको पकाइएगा 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच हो, ज़रा भी ये स्क्रैम्बल ना हो अंडे, और फिर इसको खूब विस्क करते रहिएगा या चम्मच से चलाते रहिएगा, फिर उसको ठंडा करिएगा रूम टेम्परेचर पे, फिर फ्रिज में रखिएगा, जब वो ठंडा हो जाए तब आप क्रीम लीजिएगा, रोज़ वाटर लीजिएगा, वेनिला एसेंस लीजिएगा और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। पिस्ते हैं, बहुत सारे पिस्ते हैं इसमें जाते हैं, और फिर उसको अच्छी तरह आप रख दीजिए, जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके फ्रीज़र में रख दीजिए, दैट्स इट, बहुत आसान है। और पास्ता मैंने बॉईल कर दिया था बिकॉज मैं पास्ता के ऊपर सर्व करना चाह रही थी ये लेमन चिकन जो है मेरा आज का। चिकन ब्रेस्ट फिले को साबुत फिले ले लीजिएगा, उसमें नमक, काली मिर्ची, इटालियन सीजनिंग लगा के उसको सॉटे कर दीजिएगा, सॉटे करने के बाद एक तरफ रख दीजिएगा, मक्खन में मैंने सॉटे किया था, ठीक है। फिर उसी मक्खन और तेल वाले पैन में आप उसमें लहसुन डालिएगा, अच्छी तरह उसको आप सॉटे करिएगा, उसमें आप चिकन का क्यूब और मैदा डालिएगा, क्रीम डालिएगा, केपर्स, लेमन जूस और पार्सली हो तो पार्सली डालिएगा, फिर क्रीम कर्डल ना हो बिल्कुल एंड लास्ट मिनट में डालिएगा, और उसके बाद फिर वो चिकन को पैन में वापस रख दीजिएगा और एक हल्की आंच पे उसको पकने दीजिएगा, और फिर वो जब चिकन फुली डन हो जाए तो निकाल के फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। केपर्स मैंने ऊपर से डाले, आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। एक कॉलर है उनसे बात करते हैं, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं।
शुक्र अल्लाह का, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू। और आपका ना जवाब देना था मैंने जी, चिकन कोरमा, चिकन मखनी, चिकन हांडी, चिकन बिरयानी, चिकन सैंडविच और चिकन रोल, पराठा रोल, चिकन पैटी। ठीक है ठीक है, बहुत सारे चिकन हो गए। आपने हमें वो रेसिपी सिखाई है जो कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। चले कुछ नया भी तो सीखते हैं हमेशा, क्या है? हाँ जी, सेम सेम। बहुत अच्छी रेसिपी सीखी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब क्या हम जा सकते हैं रेसिपी रिकैप की तरफ? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। सो यहाँ हमने जो कल वाली आइसक्रीम बनाई थी, जिसमें हमने ये वाले कुकीज़ को, ठीक है, ये वाले बिस्किट्स को डिप किया था कॉफ़ी के अंदर, और फिर ये हमने एक आइसक्रीम का बेस बनाया था कंडेंस मिल्क क्रीम और क्रीम चीज़ के साथ। बहुत मज़ेदार बनता है ये, ट्राई करिएगा। और चूंकि इसमें बिस्किट्स के इस तरह के लेयर करना है, तो मैंने डब्बे में इसको फ्रीज़ नहीं किया है, ठीक है। और इसी तरह आप भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत गर्मी के दिन हैं, हफ्ते में एक आध आइसक्रीम तो मेरी रेसिपीज से ट्राई कर ले लीजिएगा। और जो मैंने ये बहुत ही लाइट ये रेसिपी है, ट्राई करिएगा इसको भी। पास्ता के ऊपर मैंने लेमन चिकन बना के यहाँ रखा हुआ है। ये रेसिपी भी बहुत आसान है, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिकन ब्रेस्ट फिले के स्ट्रिप्स काट लीजिएगा। और ये जो मैंने पर्शियन रोज़ आइसक्रीम बनाया है, फुल ऑफ पिस्ते, पिसे हुए मैंने डाले हैं, मैंने साबुत नहीं डाले। बाज़ वक्त इसमें कॉर्सली चॉप्ड पिस्ते भी डलते हैं, यानी कि दरदरे से कुटे हुए, लेकिन मैंने आई थॉट कि इट्स बेस्ट कि मैं पूरे इसको पीस लूँ। कल स्कूप्स निकाल के आपको दिखाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आइसक्रीम टेक्स टाइम, ठीक है। इसको भी देखें, हमने आराम से फ्रीज होने दिया और दूसरे दिन निकाला और दिखाया आपको काट के, तो आपको समझ आया कि किस तरह का ये आइसक्रीम बनता है। रेसिपीज सारी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारा पेज है फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से, ऑफिशियल मसाला टीवी का जो पेज है उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटोज सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तस्वीर के ऊपर उर्दू में रेसिपी है, तस्वीर के साथ स्क्रोल करेंगे तो वहाँ अंग्रेज़ी में रेसिपी है, सी मोर करेंगे क्लिक तो उसमें पूरी रेसिपी, मेथड, अज्जा सब कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह आप हमारा साथ दीजिएगा। जिन्होंने कॉल किया सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट हैज़ गॉन टू मिसेस समीर कराची से, तो आपको मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। और इसी तरह आप लोग हमें SMS करते रहिए, थैंक यू सो मच इतने सारे कॉल्स करने का, SMS करने का और हमारा साथ देने का। इसी तरह आप आगे भी मेरे साथ रहिए और फूड डायरीज़ देखते रहिए। पीर से जुम्मा मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव, और रात में रिपीट होता है 12 बजे। और मेरा हायर का शो मिस नहीं करिएगा, हफ्ते में एक दफ़ा आएगा, जुमे को, फ्राइडे को शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे रिपीट होगा, ठीक है। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।